साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील, पीएम मोदी बोले फ्रांस के साथ संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात, एयर इंडिया बोइंग डील को बताया ऐतिहासिक। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले एक विचारधारा देश को बिगाड़ नहीं सकती, अच्छे देशों में हर तरह के विचार होते हैं। अडानी पर पहली बार बोले अमित शाह, कहा छिपाने जैसा कुछ नहीं, बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा नगा मुद्दे का समाधान अंतिम चरण में, आज का भारत लेने वाला नहीं देने वाला देश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम ने विपक्ष से बदले की भावना कबूली। मेघालय में कांग्रेस टीएमसी पर बरसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये दूसरे देश के लोगों को वोट बनाते हैं। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जेपी नड्डा बोले हमने कम किया उग्रवाद। कानपुर में मां बेटी की मौत पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार की क्रूरता का चेहरा बनी बुलडोजर नीति। विधानसभा चुनाव के बाद छोड़ दूंगा राजनीति, टिपरा मोथा चीफ भदोत किशोर बोले राजा की तरह वोट नहीं मांगेंगे। सुप्रिया सुले ने की नितिन गडकरी की तारीफ, बोले वे मौजूदा सरकार में काम करने वाले एकमात्र मंत्री। पीएम मोदी के बाद दाऊदी बोरा समुदाय से मिले उद्धव ठाकरे, राउत बोले शिवसेना का पुराना रिश्ता। चुनाव को लेकर सीताराम येचुरी का बयान, बोले चुनाव के बाद टिपरा मोथा से तालमेल कर सकती है सीपीआईएम। नबादास हत्याकांड के आरोपी गोपाल दास का बयान दर्ज, बयान के बाद गोपाल को कटक की जेल में किया गया स्थानांतरित। कोयंबटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट केस, तमिलनाडु कर्नाटक में 60 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे से जुड़े 12 जिलों के डीएम को दिए निगरानी के निर्देश। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का काम शुरू, विभागों में गठित होगी टीम। कानपुर अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले दिखावटी भाजपेयी संवेदना का शर्मनाक वीडियो। साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, बोली बयानबाजी से बाज आए लोग संत आतंकवादी नहीं होते।
विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट से कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, एएसपी व चार थानों की पुलिस फोर्स मौजूद। विपक्ष ने कानपुर कांड पर सरकार को घेरा, अखिलेश का ट्वीट ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, बोले किसानों की आय दोगुना करेगी नैनो यूरिया। हाथरस पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी धार्मिक ग्रंथ पर ना बोलने की दी नसीहत। संबल पहुंचे अजमेर शरीफ के अशरफ अशरफी मदनी के बयान पर बोले, यह किसी की आस्था को नहीं पहुंचानी चाहिए ठेस। अजय राय का आरोप, राहुल का प्लेन बनारस आकर लौटा, एयरपोर्ट एरिया के लगाए 2-3 चक्कर। कानपुर में एसएससी की परीक्षा देने आई छात्रा से रेप, आरोपी ऑटो चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनीष गुप्ता की हत्या में शामिल थे 7 लोग, सबूत जुटाने फिर गोरखपुर पहुंची सीबीआई। रुकने से पहले कर्मचारी ने झूले का लॉक खोला, अलीगढ़ में 6 लोग उछल कर गिरे, 2 गंभीर। पत्नी को गोली मारकर भागा पति, मथुरा में दरवाजे पर खड़ी थी पुलिस, 8 महीने पहले प्रेमी संग भागी थी महिला। प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने दी जान, 24 घंटे के अंदर एक ही बाग में दोनों ने लगाई फांसी। मुरादाबाद में प्रेमी जोड़ों से बदसलूकी, वैलेंटाइन डे पर पार्क में रोककर किया परेशान। ₹200 के लेन देन के विवाद में गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरनगर के राजपुर गांव में चली गोली। आगरा में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर पाया काबू। गाजियाबाद में जिंदा जलकर बुजुर्ग की मौत, दूसरे फ्लोर पर खाना खाते खाते अचानक उठने लगी लपटे। उधार के रुपए मांगने गए युवक की काटी नाक, उन्नाव में आरोपियों ने बेरहमी से पीटा। अवैध टेलीफोन से आतंकी कनेक्शन की आशंका, लखनऊ में आजमगढ़ के सराय मीर का सरफराज चला रहा था एक्सचेंज। सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया नेशनल हाईवे पर हादसा, डीसीएम ने साइकिल सवार युवक को रौंदा, एक की मौत। लखनऊ में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर, पुलिस की हिरासत में 2 दोस्त। हापुड़ में महाशिवरात्रि को लेकर हाई अलर्ट, एसपी ने 3 जोन और 10 सेक्टर में बांटा जिला, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने प्रेमिका की दहलीज पर खाया जहर, मुलाकात ना होने से था परेशान, प्रेमी बोला 10 साल पुराना प्यार।
नाम और धर्म बदलकर एमबीबीएस छात्रा से बनाए संबंध, फोटो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। प्रेमिका के घर के बाहर प्रेमी को लगी आग, पिता बोले घर आ रहा था, पड़ोसी ने पेट्रोल डालकर जला दिया। मथुरा में 15,000 का इनामी गिरफ्तार, साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था सेफ बैंकिंग। मऊ में एसपी ने की सघन वाहन चेकिंग, 325 वाहनों का हुआ चालान, यातायात नियमों के पालन करने की अपील की। आगरा में हाईवे पर टैंकर ने बस में मारी टक्कर, 8 महिलाएं हुई घायल, फिरोजाबाद से जा रही थी अलीगढ़। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, शंकराचार्य राजेश्वर धाम से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। कुख्यात सुनील राठी के नाम पर मांगी 50 लाख की रंगदारी, कुछ दिन पहले ही तिहाड़ से हुआ था शिफ्ट। उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 36 आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। जोशीमठ में छोटे वाहनों के लिए ओली रोड तिराहे पर बद्रीनाथ हाईवे खुला। उत्तराखंड में बराती बनकर शादी में पहुंचे चोर, दूल्हे के पिता के पास गए और बातों ही बातों में लगा दी लाखों की चपत। उत्तराखंड पुलिस का दावा, युवाओं को बाहरी तत्वों ने भड़काया, फंडिंग भी की, एक बैंक खाता फ्रीज। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार, 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, मिलेगा टोकन। केदारनाथ का परंपरागत मार्ग दोबारा होगा शुरू, पीएम मोदी की तपस्थली भी होगी गुलजार। पांच फीसदी बढ़ सकता है चारधाम यात्रा बसों का किराया, परिवहन विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। देहरादून में एनएसयूआई के 4 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भिड़ गए थे कार्यकर्ता। ऋषिकेश में अलकनंदा में डूबे भाइयों में से एक का शिवपुरी में मिला शव, परिजनों ने की बड़े बेटे की पहचान। उत्तराखंड में जांच समिति ने शासन को सौंपी डीसीबी भर्ती घोटाले की रिपोर्ट, अंक देने में धांधली के संकेत। उत्तराखंड में बसंत उत्सव 2023 की तैयारियां तेज, 3 मार्च से सजेगा फूलों का संसार। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ सकता है पारा, मौसम का बदलता मिजाज तबीयत को कर रहा नासाज। उत्तराखंड में बारातियों पर गाड़ी चढ़ाने वाला किसान नेता गिरफ्तार, एक की हुई थी मौत। जासूसी ही कर रहा था चीनी बैलून, यूएस ने कहा मलबे से अहम सेंसर बरामद, ऑस्ट्रेलिया ने चीनी सीसीटीवी हटाए।
भारतीय मूल की निकी लड़ेगी यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्शन, वीडियो मैसेज में कहा नई जनरेशन को मौका मिले। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर जनता, सरकार का प्रस्ताव संसद के फैसले पलट नहीं सकेगा सुप्रीम कोर्ट। सऊदी अरब की महिला एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन जाएंगी, रियाना वरनावी की ट्रेनिंग जारी। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में शूटिंग, दो जगह गोलीबारी में 3 की मौत, 5 घायल। सीरिया में 37,000 से ज्यादा मौतें, 9 दिन बाद भी लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा। बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे, ब्रिटेन सरकार ने कहा मामले की करीब से कर रहे निगरानी। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने विदेश सचिव खन्ना से की मुलाकात, कहा मतभेदों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 7 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया। कैलिफोर्निया में कबाड़खाने में मिली छत्रपति शिवाजी महाराज की लापता मूर्ति। एयर इंडिया की चेतावनी, इमेज खराब ना करे कर्मचारी, सिक्योरिटी चेक में पायलट से 2 आईफोन मिलने के बाद सख्ती। अमेजन की सेल्फ ड्राइविंग कार दोनों साइड से चल सकती है, रोबोट टैक्सी पब्लिक रोड पर कंपनी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। चौबीस महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई जनवरी में कम होकर 4.83% पर आई। देश में लगातार बढ़ रही सोने की तस्करी, 2 साल में तस्करी वाले सोने की जब्ती में 62.5% का इजाफा। एयर इंडिया ने 470 विमानों की डील पक्की की, एयरबस में 250, बोइंग में 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। अडानी समूह का बड़ा बयान, कहा कुल कर्ज की तुलना में दुगनी दर में बढ़ रही आय। अडानी इंटरप्राइजेस को दिसंबर तिमाही में मुनाफा 820 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सेबी में सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, कहा बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए उनके पास मजबूत ढांचा। दिसंबर के मुकाबले जनवरी महीने में अमेरिका में कम बढ़ी महंगाई, 6.4% रही महंगाई दर। आरबीआई का बड़ा फैसला, कहा डिजिटल लोडिंग कंपनियां लोड डिफॉल्ट करने पर ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। पीएसएल में प्लेयर ने छोड़ा आसान सा रन आउट, दूसरे छोर में स्ट्राइक पर पहुंचा बल्लेबाज। इंडिया के पूर्व कोच गैरी कस्टन का दावा, सचिन 2007 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट की सोच रहे थे।
शाहिन आफरीदी की पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को हराया। पूर्व कोच रवि शास्त्री का खुलासा, कहा क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते थे मोहम्मद शमी। महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया का विजयी अभियान जारी। दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंदा। आईसीसी की विंग हीटर्स में सैफ अली, ऋचा घोष और जेमिमा के बाद 9वें नंबर पर। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत वेस्ट इंडीज मैच आज। 7 साल और 7 मैच से नहीं हारी टीम इंडिया। टीम इंडिया का गढ़ है दिल्ली। 36 साल से जेटली स्टेडियम में कोई टेस्ट नहीं हारा भारत। दूसरे टेस्ट के लिए श्रेयस अय्यर फिट। टीम स्क्वाड में फिर शामिल हुए, बुमराह की वापसी तय नहीं। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का बड़ा दावा, बोले फिट रहने के लिए इंजेक्शन लेते हैं भारतीय क्रिकेटर। वैलेंटाइन डे पर शाहरुख ने खेला एएसके। एसआरके शेषन याद किया फर्स्ट वैलेंटाइन, बोले 35 साल पहले गौरी को दिए थे गुलाबी रंग के झुमके। ऋचा चड्ढा ने पति अली को विश किया वैलेंटाइन डे। फनी वीडियो शेयर कर कहा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सामने आया बेशरम रूम गाने का बीटीएस वीडियो। शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के बेटे अबराम को गले लगाती दिखी दीपिका। पृथ्वी शॉ ने सीरियाई एक्ट्रेस निधि टपाड़िया को बताया पत्नी वैलेंटाइन डे पर किया प्यार का इजहार। तन्मय भट्ट को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने विज्ञापन से निकाला बाहर। बच्चियों के रेप और गणेश की मूर्ति पर पुराना ट्वीट हुआ था वायरल। आदिति राव हैदरी ने धर्मेंद्र को दिया गुलाब। वैलेंटाइन डे पर चूमे हाथ, घुटनों पर बैठी एक्ट्रेस। कियारा आडवाणी ने शेयर की अपनी हल्दी की तस्वीरें। वैलेंटाइन डे पर रोमांटिक फोटो शेयर कर लिखा प्यार का रंग चढ़ा। लगान एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन। 1 साल से थी सांस की बीमारी। 14 फरवरी की शाम हुई सुपुर्द खाक। फैंस को नहीं पसंद आया सलमान का गाना नयो लगता। वीडियो सामने आते ही आई मीम्स की बात। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी का हुआ निधन। 90 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। अभी के लिए प्राइम शतक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।